हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स आरसीबी अनबॉक्स इवेंट और मुंबई इंडियंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने कल अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट डालकर अनाउंस कर दिया कि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स को इस साल लीड करेंगे। रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, बट नाउ दिस इज एन एक्चुअल कन्फर्मेशन। उन्होंने पोस्ट किया, ग्रेट डिटर्मिनेशन बिलीव ऋषभ पंत बैक टू क्रिकेट एंड बैक एज आर कैप्टन। अब बात करते हैं दोस्तों आरसीबी के बारे में। कल था आरसीबी का अनबॉक्स इवेंट और आरसीबी की फैन फॉलोइंग इतनी कमाल की है दैट उनकी से लाइव स्ट्रीमिंग में 360K प्लस वॉचिंग चल रही थी इंस्टाग्राम पर एंड 260K प्लस वॉचिंग चल रही थी यूट्यूब पर। कल एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस इवेंट में हुई दैट विराट कोहली ने खुद ही बोल दिया दैट प्लीज़ मुझे किंग मत बोला करो। क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, हाउ इज़ द किंग फीलिंग, एंड दिस वॉज एज अ रेफरेंस दैट वो काफ़ी टाइम बाद ग्राउंड पर दिखे। तो कोहली ने बोला, इट्स लवली टू बी बैक, और क्राउड दोस्तों इतना हल्ला कर रहा था दैट वो कुछ मिनट्स तक बोल भी नहीं पाए थे। उन्होंने बोला, गाइज वी नीड टू गो टू चेन्नई टुडे एंड प्लीज डोंट कॉल मी द वर्ल्ड किंग, आई फील एम्बैरस, प्लीज कॉल मी विराट। मुझे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील होता है ये सब सुनकर। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों मुंबई इंडियंस के रिगार्डिंग। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था दैट सूर्य कुमार यादव इज अनसर्टेन टू स्टार्ट इन आईपीएल 2024, एंड दोस्तों वैसा ही हुआ। सूर्य कुमार यादव डजंट गेट द क्लियरेंस फ्रॉम एनसीए। उनका अगला फिटनेस टेस्ट 21 मार्च को है एज रिपोर्टेड बाय क्रिकबज, बट MI मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा होपफुल है दैट सूर्य कुमार यादव जल्दी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों अपनी इंस्टा पे स्टोरी पोस्ट की थी और जो एक हार्ट ब्रोकन इमोजी था। बाकी ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू।